अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे सेक्स लिंक्स इनहेरिटेंस का पार्ट थ्री, और पार्ट थ्री में हम ये पढ़ेंगे कि आई कलर इन ड्रोसोफिला। अब पार्ट वन एंड टू में यही चीजें डिस्कस हुई थी। वन में हमने डिस्कस किया था सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है, जो ट्रेड कंट्रोल होता है या डो ट्रेड विद एक्स क्रोमोसोम्स के जरिए या सेक्स क्रोमोसोम्स के जरिए कंट्रोल किया जा रहा होता है उसको हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। और काफी सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसमें हमारे पास आ रहा है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। पार्ट वन में हीमोफीलिया डिस्कस किया था, पार्ट टू में कलर ब्लाइंडनेस, एंड पार्ट थ्री में हम डिस्कस करेंगे आई कलर इन ड्रोसोफिला। तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि टीएच मॉर्गन जो थे उन्होंने 1910 में परफॉर्म किए थे बहुत से ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कॉमन फ्रूट फ्लाई पे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, ड्रोसोफिला पे किए थे जो कि कॉमन फ्रूट फ्लाई कहलाती है, और डिस्कवर किया था उन्होंने एक सेक्स लिंक कैरेक्टर जो कि एक आई कलर था। अब नॉर्मल आई कलर जो होता है ड्रोसोफिला में वो क्या होता है, ब्राइट रेड होता है। तो एक दिन जो है एक मेल विद व्हाइट आई अपेयर हुआ कल्चर के अंदर ना, जब उन्होंने कल्चर परफॉर्म किया, ब्रीडिंग करवाई डिफरेंट ड्रोसोफिला की, तो एक मेल अपेयर हुआ जिसकी आईज जो थी वो व्हाइट थी कल्चर में, एंड वाज अ ट्रू ब्रीडर। और मतलब एक्स वाई में उसके पास वो रिसेसिव जीन जो थी वो व्हाइट के लिए थी, ट्रेड थी व्हाइट के लिए थी। तो उससे क्या हुआ, क्रॉस उन्होंने करवाया बिटवीन रेड आईड फीमेल, यानी जो नॉर्मली रेड आई फीमेल पाई जाती है उनमें, और व्हाइट आईड मेल जो एक दिन पाया गया था कल्चर में। कल्चर मींस मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे उनकी इंटरब्रीडिंग करवाई जा रही होती है, तो ऑर्गेनिजम्स वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस तरह के आ रहे हैं। तो उधर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक वाइट आइट मेल है, तो उन्होंने उसकी इंटरब्रीडिंग करवा दी रेड आइट फीमेल से। तो रिजल्ट्स जो आए वो मेंडेलियन रेशियो के मुताबिक थे। क्या थे, हमने क्रॉस वन कैसे करवाया कि जो वाइट मतलब रेड आइट फीमेल थी ना, उसके पास दोनों जो ट्रेड थे वो रेड आई के थे, ठीक है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे आर और आर्थर, यानी और इस क्रॉस उनको करवाया विद वाइट आइट, तो इसमें जो थी ये वाइट के लिए मौजूद थी ये ट्रेड। तो तमाम जो एफ वन जनरेशन के थे उन्होंने रेड आई शोर की, किस तरह से कि जब ये रेड आई वाले को क्रॉस करवाया व्हाइट से, तो ये आ गई इस तरह, ये आ गई कैपिटल आर एंड वाई, ये आ गई रेड वाली और ये आ गई व्हाइट वाली, ये आ गई रेड वाली एंड ये आ गई वाई। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो है व्हाइट वाली भी है लेकिन रेड वाली भी, और रेड वाली की अपेयर हुई है वो बताएंगे हम क्यों अपेयर हुई है, क्योंकि वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसको मतलब जाहिर होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों जीन्स होमोलोगस हों, मतलब दोनों एलील्स होमोलोगस हों ये जरूरी नहीं है, जस्ट एक भी जो है ट्रेड को जाहिर करवा सकती है, शो करवा सकती है। बाकी ये और ये दोनों तो रेड आई है, और यहाँ पे भी यही चीज हुई है कि ये होमोलोगस नहीं है लेकिन ये एक भी मौजूद है तो रेड कलर ही शो करेगी। तो ऑल फ्लाइज के कौन से कलर की थी, रेड कलर की, नहीं चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एफ टू जनरेशन में हमने ये किया कि मेल की रेड आईज ली और फीमेल की जो है रेड आईज ली, लेकिन वो हेटरोजाइगस थी, यानी उनके पास इस तरह से एक जो है रेड आई की थी और एक जो है वो व्हाइट आई की थी। तो जब उनका क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, एक्स जो है ये कैपिटल आया, यह वाला एक्स भी कैपिटल आया, यहाँ कैपिटल आर आया और यहाँ स्मॉल आर आया, यहाँ पे जो है कैपिटल आर आया और यहाँ पे वाई आया, इसी तरह यहाँ स्मॉल आ रहा है और वाई आया। तो इन दोनों में हमारे पास क्या हुआ कि हेटरोजाइगस था लेकिन रेड ही प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे ये था कि नॉर्मली प्रोड्यूस हुई, और यहाँ पे ये हुआ कि जो मेल बना था एक वो हो गया हमारे पास वाइट आइट, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे आ रही है, लेल वाई पे तो आ ही नहीं रही है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे यही जो है व्हाइट कलर शो करेगा और ये वाला जो है रेड कलर शो करेगा। तो रेड आइज वाले कितने हो गए, तीन हो गए, दो फीमेल हो गए एक मेल हो गया, और व्हाइट आईज वाला एक मेल आ गया। तो रेशियो क्या आया हमारे पास, 3:1, ये मेंडेलियन रेशियो है। यहाँ पे हमारे पास जब हमने सेकेंड क्रॉस करवाया तो उसमें हमने क्या लिया कि क्रॉस टू वॉज मेड बिटवीन रेड आइट मेल एंड व्हाइट आइट फीमेल। अब हमने रेड आइट मेल लिया और व्हाइट आई की जो है वो फीमेल ली, तो मेल के पास रेड आईज थी, यानी एक्स आर बाय आर जो थी एक्स के ऊपर वो कौन सी थी, रेड आई वाली थी, और जो फीमेल के ऊपर थी वो एक मतलब दोनों ही जो थी वो व्हाइट वाली थी, ठीक है। तो अब उससे हुआ क्या कि जब हमने इसका क्रॉस करवाया तो हमारे पास एक यहाँ पे रेड वाली है, एक व्हाइट वाली, जाहिर होगा रेड वाला ट्रेड, इस तरह यहाँ भी हेटरोजाइगस से जाहिर होगा रेड वाला ट्रेड, यहाँ पे जो है स्मॉल में
आ गई मेल, दोनों जो दोनों मेल बने थे उनके पास हमारे पास व्हाइट आई वाला ट्रेट आ गया, तो मेल जो है दोनों व्हाइट आई शो करेंगे। तो ऑल मेल विथ व्हाइट आईज, तमाम मेल ने जो है व्हाइट आई कलर शो किया और तमाम फीमेल ने जो है रेड कलर शो किया। तो इसमें क्या हुआ कि हमने जब ये रिजल्ट्स देखे तो उसमें मॉर्गन ने ये कंक्लूड किया कि जो आई कलर की जीन है ना ड्रोसोफिला पे, वो कहाँ लोकेट होती है, एक्स क्रोमोसोम्स में मौजूद होती है और वाई के पास कोई एलील नहीं होती है आई कलर के लिए। तो इस चीज को हम यही कहते हैं कि जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होता है या जो सेक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम्स पे पाई जाती हैं, क्योंकि वाई के ऊपर कोई एलील नहीं मौजूद होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।